हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीड डिजाइंस। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वेलवेट की कुर्ती पे कौन सी सुई चलाई जाती है और कैसे चलाई जाती है। तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, मेरे सब्सक्राइबर मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज बताइए कि वेलवेट की कुर्ती पे कौन सी सुई चलाई जाती है। हमारी कुर्ती जब भी हम सिलते हैं, वेलवेट की या शनील की कोई भी कुर्ती, तो उस पर टाप बहुत आती है। तो इस वीडियो में मैं मेन आपको यही समझाऊंगी कि आपने सुई कौन सी डालनी है मशीन में और कैसे सिलाई लगानी है वेलवेट या शनील की कुर्ती पे। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अपने डिजाइन की अच्छी अच्छी पिक्स डालती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। जब भी आपने वेलवेट या शनील की कुर्ती बनानी है तो आपने ये 14 नंबर सुई चलानी है। इससे क्या होगा, आपकी कुर्ती में कभी भी टाप नहीं आएगी। जो भी आप वेलवेट का सिल रहे हो पूरे सूट पे, कैसे भी आराम से आप सिल सकते हो उसको, कोई भी टाप नहीं आएगी आपकी सिलाई में। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी मशीन में ये 14 नंबर की सुई चला रही हूँ, मैंने अभी डाली हुई है इसमें। और मैं ऊपर जो है धागा तो सेम ही चलाऊंगी वेलवेट के कुर्ती पे, और जो नीचे है वो मैंने डिफरेंट कलर का चलाया ताकि आपको सिलाई प्रॉपर दिखाई दे। और ये जो हमारा कपड़ा होता है वेलवेट या शनील का, थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, तो इसको प्लीज ध्यान से चलाएं आप। तो आपने ये वाली कुर्ती, ये वाले कपड़े को, वेलवेट या शनील वाले कपड़े को खींचना नहीं है, ये ध्यान में रखें। आपको बिल्कुल नॉर्मल छोड़ के ये कपड़े को सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो ये मैंने एक वेलवेट के रफ कपड़े पे सिलाई लगा के आपको दिखाई है। सिलाई तो आपको आगे से दिख ही रही होगी, अभी मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी ये सिलाई में कितनी फिनिशिंग आई है और कोई भी टाप नहीं आई है, आप देख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग टांका लूज या टाइट रख सकते हो। नॉर्मली आपने बस ये ध्यान में रखना है कि इस फैब्रिक को खींचना नहीं है। आपने जब भी सिलाई लगानी है तो इसको नॉर्मल छोड़ते हुए लगानी है, यानी कि अपने आप ये जैसे हमारी मशीन चलती है और पीछे की तरफ जाता है वैसे ही जाना चाहिए। तो आप ये मत सोचे कि सिंगल कपड़ा है तभी सिलाई हमारी सही आई है। तो अभी मैं आपको डबल कपड़ा करके भी सिलाई चला के दिखाती हूँ। इस तरीके से अगर हम फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, यानी कि हमारा डबल कपड़ा है। तो अब मैंने ये कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाई है, तो ये देखिए तभी भी हमारी सिलाई में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, कोई भी टाप नहीं आई है। तो अभी मैं आपको इस वेलवेट के फैब्रिक के ऊपर ही एंकर थ्रेड भी चला के दिखाती हूँ। तो जैसे हमारी ये फिरकी है, हमने एंकर थ्रेड इसमें भरना है और ऊपर हमारी 14 नंबर की ही सुई रहेगी, उसी से मैं आपको एंकर थ्रेड चला के दिखाती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एंकर थ्रेड का डिजाइन दिखाया वेलवेट की कुर्ती पे ही, बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। आप भी ऐसे नए नए डिजाइन बना सकते हैं सर्दियों में। तो ऐसे मैंने एंकर थ्रेड जो है अपनी फिरकी में भर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डिब्बी में डाल देंगे और इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल धागा चलाते हैं वैसे ही हमें इसको भी निकालना है साइड से। तो जो डिब्बी है वो मैंने ऐसे नीचे डाल ली है। अब हम एंकर थ्रेड को ऐसे निकाल लेंगे बाहर की तरफ इस तरीके से। तो जब भी आपने एंकर थ्रेड का कोई भी डिजाइन बनाना है तो ये ध्यान में रखें, आप कुर्ती की बैक वाली साइड में ड्रॉ करें, जैसे भी आपको चलाना है जिस भी डिजाइन में। तो इस तरीके से मैं बैक पे चलाऊंगी और फ्रंट पे ये एंकर थ्रेड हमारा आ जाएगा। वैसे मैंने सिलाई लगा लिया, अभी आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल आई है और कितनी फिनिशिंग के साथ भी लगी है। तो आप भी ऐसे ही एंकर थ्रेड के साथ वेलवेट की कुर्ती पे डिजाइन बना सकते हो। तो ये वाला नेक डिजाइन मैंने एंकर थ्रेड से ही बनाया है, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप भी इसी तरीके से किसी भी डिजाइन में एंकर थ्रेड के साथ इसको बना सकते हो वेलवेट की कुर्ती को। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।